हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लीज अटेंड। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं पढ़ लिया था। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को देख लिया था। इसके अलावा हमने बैलेंसिंग स्टार्ट की थी। तो बैलेंसिंग में हमने जो हाफ रिएक्शन मेथड है उससे हमने कैसे कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, इसको देख लिया था। आज हम देखेंगे बैलेंसिंग का सेकेंड तरीका, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा आज हम देखेंगे बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे हमें, जैसे हमने उसमें देखा था आयन इलेक्ट्रॉन में, फर्स्ट वी हैव टू राइट द रूल्स। तो आप सब कॉपी पेन निकाल लो, चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। सो फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू देम। तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो उसे हमें पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। कैसे पता लगाएंगे, उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला सीखा हमने क्लास वन में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, तो जाके एक बार देख लो वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक। तो एक बार जाके और जो वीडियो से देखो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन। और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम तो उसमें देखते ही जाएंगे, मगर उसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू देम। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दे लेंगे हम, उसको पता लगा लेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड इज बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो हम सिर्फ उसे बैलेंस करेंगे। फर्स्ट रूल क्या देखा, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो हम उसको पहले पता लगाएंगे कौन सा एलिमेंट हो रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस। सेकंड देखेंगे जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। ध्यान रखना वही एलिमेंट को बैलेंस करेंगे सबसे पहले जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो, बाकी दूसरों को नहीं। तो दिस इज सेकंड रूल, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चार्ज बैलेंस कर लेंगे। फोर्थ रूल इज बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इतना करने के बाद हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो दूसरे एलिमेंट जो बैलेंस नहीं हुए हैं उनको हम सिंपली बैलेंस कर लेंगे। फिफ्थ रूल इज टू बैलेंस ऑक्सीजन एड वाटर टू द डेफिशिएंट साइड। ठीक है, ये दोनों के लिए है, इट इज आइदर एसिडिक और बेसिक। जो हमने इलेक्ट्रॉन देखा था उसमें एसिडिक के लिए अलग रूल्स थे, बेसिक के लिए अलग रूल्स थे, मगर इसमें हमारा जो रूल है वो एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमें वाटर कहाँ ऐड करना है, जहां पर ऑक्सीजन कम हो, इसको ध्यान रखना। वाटर इज एडेड टू दैट प्लेस वेयर ऑक्सीजन इज डेफिशियंट। सिक्स रूल इज टू बैलेंस हाइड्रोजन एड एच प्लस आयंस ऑन द अपोजिट साइड इफ द मीडियम इज एसिडिक। अगर जो मीडियम है एसिडिक है तो क्या करेंगे, जिस तरफ हमने वाटर ऐड किया है उसके दूसरी तरफ क्या कर देंगे, एच प्लस आयंस ऐड कर देंगे ताकि जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाए। अगर मीडियम एसिडिक नहीं है, बेसिक है, तो क्या करेंगे हम, बैलेंस हाइड्रोजन बाय सिंपली एडिंग द एच प्लस एज रिक्वायर्ड। देखो मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, करना हमें एच प्लस ही ऐड है। जैसे हमने, अगर आपको याद हो, आप पिछला लेक्चर का देखा हो आपने, तो हमने जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग की थी जहां पर हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे बेसिक मीडियम में, तो वहां पर हमने ये वाली ट्रिक अपनाई थी और यहां पर भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे। तो मीडियम चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, तो आप सबसे पहले क्या करना, हाइड्रोजन को एच प्लस लगा के ही बैलेंस कर लेना। अगर एसिडिक है तो उसके आगे कोई करने की जरूरत ही नहीं है, मगर अगर मीडियम बेसिक रहा तो, क्योंकि मैं एच यूज नहीं कर सकता, तो मैंने जितना एच ऐड किया है उतना ही मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, ओ एच ऐड कर दूंगा। और एच प्लस और ओ एच माइनस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे वाटर। बस इनको मिलकर वाटर बना लेना, बाकी आराम से बैलेंस हो जाएगा सारी सारी रिएक्शन। अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, पांच छह रूल्स हो गए। सबसे पहले क्या करना है हमें, कि जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है उसको पता लगा लेना है। दूसरा, जो भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है सिर्फ उसे बैलेंस करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितने चार्ज का डिफरेंस आ रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़कर सारे एलिमेंट बैलेंस कर लेने हैं। फिफ्थ में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डेफिशिएंट साइड में वाटर ऐड करना है, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, हमें डेफिशिएंट साइड में ही वाटर ऐड करना है। सिक्स में अगर मीडियम एसिडिक है तो एच प्लस ऐड कर देंगे अपोजिट साइड में, और अगर मीडियम बेसिक है तो भी हम एच प्लस ही ऐड करेंगे जहां पर रिक्वायर्ड है, और साथ में क्या कर देंगे, उतने ही ओएच ऐड कर देंगे। तो सिंपल से रूल्स हैं, छह, बहुत सिंपल सिंपल है और एकदम आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। मैं एक दो रिएक्शन आपको बहुत डिटेल से करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम फास्ट करना स्टार्ट करेंगे उसको। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। कॉपर हमारी एलिमेंटल स्टेट में है, तो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर है जीरो। जीरो से कहां जा रहा है, प्लस टू में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन देखो यहां पर निकालने आता है ये नंबर आपको, तो इसका निकालो मैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एक्स मान लो, ऑक्सीजन कितना होता है, माइनस टू। कितने ऑक्सीजन है, थ्री। इसको चार्ज कितना है, माइनस वन।
तो यहां से अगर आप एक्स कैलकुलेट करोगे तो एक्स विल बी प्लस फाइव। तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो प्लस फाइव की स्टेट में है, जबकि जो एनओ टू है, एनओ टू में निकाला में नाइट्रोजन का है तो एक्स मान लिया। ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू, कितने ऑक्सीजन है दो और चार्ज कितना है टोटल जीरो, तो एक्स कितना होगा यहां पर फोर। तो नाइट्रोजन प्लस फोर से प्लस फाइव से कहां जा रहा है, प्लस फोर में जा रहा है। तो यहां से यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया हमें कहां कहां हो रहा है। तो पहला स्टेप यही था कि हम जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे, उनको पता लगा लेते थे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या होता था कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें बैलेंस करना है। अगर वो पहले से बैलेंस है कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं बैलेंस है तो उन्हें हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो देखो यहां पर कॉपर एक है, यहां पर भी कॉपर एक है, कोई दिक्कत ही नहीं, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जीरो से टू में जा रहा है, दोनों एक एक है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन देखो यहां पर एक है और यहां पर भी एक ही है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नाइट्रोजन जो है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं वो दोनों सिंगल सिंगल है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो पहला स्टेप खत्म, अब करेंगे हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या करते थे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे जितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा होता है। तो देखो इसमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर से कॉपर टू प्लस, जीरो से कहां जा रहा है टू में जा रहा है तो टू का डिफरेंस है, नाइट्रेट से एनओ टू में जा रहा है तो प्लस फाइव से प्लस फोर में जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, एक का डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो टू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो रिडक्शन वाला पार्ट है, मीन्स इसके साथ और इसके साथ, और ये जो नंबर है जो कि आया हुआ रिडक्शन के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉपर के साथ और इस वाले कॉपर के साथ, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले नंबर को हम इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले नंबर को हम इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीडेशन वाला नंबर रिडक्शन के साथ और रिडक्शन वाला नंबर ऑक्सीडेशन के साथ, इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो सेकंड रूल क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज इन चार्ज, जो भी चार्ज में चेंज आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो कैसे हो जाएगा, जो कॉपर वाली साइड है, कॉपर वाली साइड को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, और जो नाइट्रेट वाली साइड है, नाइट्रेट वाली साइड को मल्टीप्लाई करेंगे हम टू से। तो चलो लिख लेते हैं इसे एक बार दोबारा से, कॉपर और नाइट्रेट वाली साइड को मैंने मल्टीप्लाई किया था टू से, तो ये हो जाएगा टू, यहां पर कॉपर जो है टू प्लस ही रहेगा, और नाइट्रेट वाली साइड को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा एनओ टू। कॉपर के सामने तो वन वन ही लगेगा क्योंकि कॉपर वाली साइड को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, कॉपर वाली साइड को मैंने मल्टीप्लाई किया था वन से, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। अब देखो ये हमने थर्ड स्टेप खत्म कर लिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो चार्ज में चेंज आ रहा था। अब यहां पर देखो अभी क्या हाल बने इसके, कॉपर यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है, तो एलिमेंट तो सारे बैलेंस हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन तो है यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा मीडियम जो है ये एसिडिक मीडियम है, ऊपर भी जो हम चल रहे थे यहां पर, तो ये जो रिएक्शन दे रखी है इट इज इन एसिडिक मीडियम। देखो हाइड्रोजन तो है नहीं बैलेंस करने के लिए, चलो ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है इस तरफ देखो टू इंटू थ्री, तो इस तरफ है सिक्स ऑक्सीजन, इस तरफ देखो टू इंटू टू, तो इस तरफ है फोर ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है, दो ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो जितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है उतने ही क्या करो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो यहां पर मैं 2H2 ऐड कर दूंगा और इसके दूसरी तरफ क्या करूंगा मैं 4H+ ऐड कर दूंगा। अब देखो इतना करते हैं कि साथ ही रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई, चलो उसे चेक करते हैं। कॉपर एक, यहां पर भी कॉपर एक, नाइट्रोजन दो, यहां पर भी नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन 2 × 3 इधर 6 है, यहां पर देखो 2 × 2 तो 4 तो यहां से हो गया और 2 यहां से हो गया, तो 4 + 2 यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखो यहां पर 2 × 2 तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है 4, और यहां पर भी कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। चलो चार्ज देखते हैं, देखो यहां पर 2 माइनस का है नाइट्रेट पे और 4 प्लस का है हाइड्रोजन पे, तो माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 2 चार्ज है रिएक्टेंट की साइड। अब प्रोडक्ट साइड देखो कॉपर लिए है प्लस 2 चार्ज, तो प्लस 2 चार्ज है कॉपर के पास, हो गया बैलेंस, दोनों तरफ प्लस 2 चार्ज है, एलिमेंट भी सारे बैलेंस है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, रूल्स देखो दोबारा से बोल रहा हूं, इसमें हमने कुछ सारे रूल्स यूज नहीं करिए, हमने थोड़े से रूल्स यूज हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, जौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है उसका पता लगाओ, दूसरे स्टेप में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है उसको लिखो, और क्या कर दो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट रिडक्शन के साथ, रिडक्शन वाला पार्ट ऑक्सीडेशन के साथ। उसके बाद जो एलिमेंट बचे हुए हैं बैलेंस करने के लिए उन्हें बैलेंस कर लो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, सिंपल सा। तो चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जहां पर और सारे जो रूल्स हैं वो भी यूज हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर टू इज, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो यहां पर मेरे पास क्लोरीन जो है वो दो जगह से आ रहा है, एक येरा क्लोरीन, एक येरा क्लोरीन। देखो यहां पर तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहां पर अगर तुम निकालोगे दिस इज MnCl2, तो यहां पर निकालोगे तो मैग्नीज के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, यहां पर मैग्नीज के ऊपर प्लस 4 चार्ज है, यहां क्लोरीन के ऊपर माइनस 1 है।
अब देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा है, हमें सिर्फ वही चाहिए होता है। इस वाटर की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर तो हम बाद में एडिट करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी अगर आपको रिएक्शन ऐसे दे रखी हो जहां पर वाटर एच प्लस पहले से दे रखे हो, उसे छोड़ दो, क्योंकि बाद में तो हम ऐड करने वाले हैं और मीडियम इज एसिडिक। तो चलो रूल्स यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करो, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, उनको पता लगा लो। देखो मैग्नीज जो है वो प्लस फोर से कहां जा रहे हैं, प्लस टू से। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखो क्लोरीन जो है माइनस वन से कहां जा रहा है, जीरो में जा रहा है, माइनस वन से जीरो में। तो क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा देखो क्लोरीन यहां पर भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, क्लोरीन इस वाले क्लोरीन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एम एन सी एल टू, यहां पर क्लोरीन माइनस वन में है, ठीक है। तो माइनस वन से माइनस वन कोई चेंज ही नहीं होगा, तो यहां पर इस वाले क्लोरीन को लेना है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो। तो पहले स्टेप हमने पता लगा लिया कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या था, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस हो रहा है, उसे हम बैलेंस करेंगे। तो देखो यहां पर मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चलो अब इसे बैलेंस करते हैं। देखो यहां पर एक मैग्नीज है, यहां पर भी एक मैग्नीज है, बैलेंस है। यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर दो क्लोरीन। देखो क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। यहां पर एक ही क्लोरीन है इस साइड और यहां पर दो क्लोरीन है, तो बैलेंस करो उसे। तो यहां पर मैं सिंपली टू लगा दूं, टू बैलेंस सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्लोरीन वाली साइड, एचसीएल में क्या हो गया, टू हो गया। अब ये बैलेंस हो चुका है, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, वो बैलेंस हो चुके हैं। तो चलो मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास बैलेंस करने के बाद शक्ल आ गई रिएक्शन की। अब देखो मेरे पास क्या बचा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो चलो एक बार ऑक्सीडेशन में दोबारा से मैं लिख लूं। यहां पर कितना था, प्लस फोर था, प्लस फोर से कहां जा रहा था, प्लस टू जा रहा था। यहां क्लोरीन माइनस वन था, माइनस वन से कहां जा रहा था, जीरो जा रहा था। तो प्लस फोर से टू कितने का डिफरेंस है चार्ज का, दो का डिफरेंस है। एच सी एल देखो एच सी एल कितना था, मैं क्लोरीन जो है माइनस वन की स्टेट में था, और कितने क्लोरीन है आगे, क्या लगाए, दो लगाए, तो टू चार्ज हो गया इस तरफ एच सी एल के पास, और टू से कहां जा रहे हैं, जीरो पे। कितने का डिफरेंस है, टू का, टू का चेंज है, और यहां पर भी टू का चेंज है। तो ये टू से ये टू कट गए। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी मैथमेटिक्स से जो ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट लेना। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जो हो रहे होते हैं, इनको आप एलएचएस और आरएचएस ही मान के चलो। तो अगर ऑक्सीडाइज वाला पार्ट और रिड्यूस वाला पार्ट, अगर उनके नंबर्स कट जा रहे हैं, तो आप सिंपली उसे काट देना। तो देखो दो से दो कट गया, तो एक बचा यहां पर। अब एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करो ना करो बात सेम ही रहती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो रिएक्शन है वो सेम इसी से रहने वाली है जैसे पहले थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना करो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये सेम चीज आएगी, क्योंकि वन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एलिमेंट जो है जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा था, उसको हमने बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उसे देख लो, क्या वो बैलेंस हो रहे या नहीं हो रहे। देखो यहां पर मैग्नीस एक है, मैग्नीस एक है, क्लोरीन देखो यहां पर दो और दो चार क्लोरीन, और यहां पर दो ही क्लोरीन है। तो सिंपली क्या करो, इसको चार कर दो, हो गया चार क्लोरीन यहां पर, और यहां पर भी दो और दो चार क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे, उसको बैलेंस करने के बाद हमने बाकी एलिमेंट जो थे उन सबको बैलेंस कर लिया, हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, तो यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करो यहां पर टू एच टू एड कर दो, ठीक है। क्या किया हमने, टू बैलेंस ऑक्सीजन एड एच टू ओ टू द डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट साइड में हमने क्या किया, वाटर एड कर दिया। देखो यहां पर दो ऑक्सीजन थे और यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या किया, यहां पर हमने टू एच टू एड कर दिया। जब यहां पर टू एच टू एड किया, तो टू एच टू एड करने के बाद देखो कंडीशन क्या बनी, ऑक्सीजन यहां पर दो है और यहां पर भी दो ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन देखो यहां पर फोर हाइड्रोजन थे और यहां पर भी अब फोर हाइड्रोजन हो गए, तो हो गया बैलेंस। चलो मैं इसे दोबारा से लिख लेता हूं, MnO2 plus 4HCl gives out MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। तो बैलेंस करने के बाद मेरे पास एक ये क्वेश्चन आ गया, चलो इसे चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ नहीं हुआ। सिंगल मैग्नीज, सिंगल मैग्नीज, क्लोरीन देखो दो और दो चार, यहां पर भी चार क्लोरीन, चार हाइड्रोजन है यहां पर, यहां पर भी चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, और यहां पर भी दो ऑक्सीजन, चार्ज यहां भी जीरो है, चार्ज यहां भी जीरो है, तो हो गया बैलेंस सिंपली। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन इज MnO4 minus plus C2O4 2 minus gives out Mn2 plus plus CO2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। चलो इसको बैलेंस करते हैं बाक्स रिएक्शन नंबर मेथड। इस वाली रिएक्शन को हमने हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस किया हुआ है, चलो इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। तो यहां पर जो मैग्नीस है, मैग्नीस प्लस सेवन स्टेट में, प्लस सेवन से कहां जा रहा है, प्लस टू में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर कार्बन निकालोगे तो कार्बन प्लस थ्री में है, प्लस थ्री से कहां जा रहा है कार्बन, प्लस फोर में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने पता लगा लिया ऑक्सीडाइज कहां हो रहा है, रिड्यूस कहां हो रहा है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहला खत्म। दूसरा रूल लगाते हैं, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेता हूं। तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें बैलेंस करते हैं। देखो मैग्नीस यहां पर रिड्यूस हो रहा है और दोनों तरफ एक ही मैग्नीस से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर दो कार्बन है
और यहां पर एक ही कार्बन है, तो क्या करो यहां पर सिंपली टू लगा के बैलेंस कर लो। दोनों तरफ कितने कितने कार्बन हो गए, दो दो कार्बन हो गए, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा था हमने उसे बैलेंस कर लिया। दूसरा रूल यही था कि हम सिर्फ उसको बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो। इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए चलो चार्जेस देखते हैं कितने कितने कहां कहां पर है। तो यहां पर प्लस सेवन था, तो प्लस सेवन से टू में कितने का डिफरेंस हुआ, फाइव का। और यहां पर देखो इसके ऊपर चार्ज कितना था कार्बन के ऊपर, प्लस थ्री था, तो यहां पर थ्री एक कार्बन के ऊपर है और दो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, छह का। देखो यहां पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है ना, थ्री प्लस एक के ऊपर है तो दो के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, सिक्स का चार्ज हो जाएगा। यहां पर देखो एक कार्बन के ऊपर प्लस फोर का चार्ज था और यहां पर दो कार्बन है तो चार्ज कितने का हो जाएगा, प्लस एट का हो जाएगा। तो सिक्स एक तरफ है और एट एक तरफ है, कितने का डिफरेंस आया, दो का डिफरेंस आया। एक तरफ फाइनली चार्ज का डिफरेंस कितना आया, टू, एक तरफ चार्ज का डिफरेंस आया फाइव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो टू है टू को मल्टीप्लाई करेंगे MnO4 वाली साइड से और फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑक्सीलेट वाली साइड है उससे, ठीक है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, टू MnO4 माइनस प्लस फाइव सी टू ओ फोर, टू माइनस गिव्स आउट टू एम एन टू प्लस प्लस फाइव इंटू टू टेन सी ओ टू, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो दोनों चीजें हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे, थर्ड स्टेप में देखते थे हम कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको छोड़ के दूसरे एलिमेंट है उसे हम बैलेंस कर लेते थे। तो चलो देखते हैं कि क्या वो बैलेंस है या बैलेंस हमें करने पड़ेंगे। देखो मैग्नीस यहां पर दो, यहां भी दो मैग्नीस, कार्बन फाइव टू टेन, यहां पर भी टेन, बैलेंस है। अब चलो ऑक्सीजन देखते हैं क्योंकि दूसरे एलिमेंट तो है नहीं यहां पर, ऑक्सीजन देखते हैं। यहां से देखो टू इंटू फोर, तो एट ऑक्सीजन तो यहां पर हो गए और फाइव फोर या ट्वेंटी, तो टोटल इस साइड कितने हो गए, ट्वेंटी एट ऑक्सीजन हो गए। यहां पर देखो टेन इंटू टू कितने हो गए, ट्वेंटी, तो इस तरफ ट्वेंटी है। तो क्या करो यहां पर डेब्रिसन साइड में उतने ही वाटर ऐड कर दो। तो यहां पर क्या करेंगे हम, कितने डिफरेंस है एट का, तो यहां पर हम एट एच टू ऐड कर देंगे, क्या कि हमने एट एच टू ओ ऐड कर दिया। अब एट एच टू ऐड करने के बाद फाइनली देखो क्या कंडीशन बनी, जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो बैलेंस हो चुका है। यहां पर 28 ऑक्सीजन थे, 20 तो यहां से थे और 8 यहां से आ गए, 28 28 दोनों तरफ हो गए। अब बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहां पर 8 है और क्या लगा है, 2 सामने, तो कितना हो गया 16। तो क्या करेंगे बैलेंस कैसे करेंगे, इस तरफ 16H प्लस ऐड कर देंगे। इतना करते के साथ ही जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। तो चलो इसे मैं दोबारा लिख लेता हूं और दोबारा लिख के फिर मैं आपको बताता हूं। 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स आउट 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो ये मतलब फाइनल रिएक्शन आ गई। तो चलो चेक करते हैं कि चार्ज बैलेंस है, एलिमेंट बैलेंस है, सब कुछ। देखो दो मैंगनीज 10 कार्बन ऑक्सीजन देखो यहां पर 10 दूनी 20 और 8 28, यहां 20 हो गए और यहां पर 8, तो टोटल कितने हो गए 28 ऑक्सीजन। यहां पर देखो 5 4 20 और 4 2 8, तो 8 यहां से और 20 यहां से, तो 28 यहां पर भी हो गए। हाइड्रोजन देखो 16 और यहां पर भी 8 2 16, एलिमेंट तो सारे बैलेंस है। चलो चार्ज देखते हैं, तो देखो यहां पर 2 माइनस यहां से और 5 2 10, तो माइनस 10 यहां से और प्लस का 16 है यहां पर। तो देखो यहां पर कितना चार्ज हो गया, प्लस 4 का चार्ज हो गया। और यहां पर देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस 4, तो प्लस 4 का चार्ज यहां पर भी है, तो हो गया बैलेंस। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से पर उसको कॉपी में लिखो, उसको लिख के अपने साइड में रखो और रिएक्शन बैलेंस करना जैसे जैसे बताया जा रहा है रूल्स को देखते हुए, और रिएक्शन को फिर बैलेंस करना स्टार्ट करो, तो बहुत ईजी समझ आ जाएगा आपको। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमें बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। तो चले पहले ऑक्सीडेशन नंबर दें इसका। क्रोमियम देखो यहां पर निकालना है मुझे क्रोमियम का, OH पे कितना होता है माइनस वन और कितने OH है 4, इसको कितना चार्ज है टोटल माइनस वन चार्ज है। यहां से x कैलकुलेट करोगे इट विल बी प्लस 3, तो यहां क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है प्लस 3। यहां कैलकुलेट करोगे क्रोमियम के ऊपर तो x क्रोमियम का ऑक्सीजन माइनस 2 इंटू 4 इजल टू माइनस 2, तो चार्ज कितना जाएगा यहां प्लस 6 आ जाएगा। ये परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्सीजन माइनस 1 में होता है परऑक्साइड में और ये ऑक्साइड है ऑक्सीजन माइनस 2 में होगा। तो यहां पर 3 से 6 में आ रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, माइनस 1 से माइनस 2 में जा रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हमने ये पता लगा लिया कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है कहां रिड्यूस हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या करते थे हम कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज है रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें बैलेंस करो। देखो यहां पर क्रोमियम जो है
क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है और दोनों तरफ एक ही है क्रोमियम है, तो कोई दिक्कत नहीं बैलेंस करने की। यहां पर देखो रिडक्शन में ऑक्सीजन यहां पर दो है और ऑक्सीजन यहां पर एक है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है ना, इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है। यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करो पहले। तो क्या करो, यहां पर दो लगा दो, हो गया बैलेंस। इस तरफ भी दो ऑक्सीजन हो गए, इस तरफ भी दो ऑक्सीजन है, तो पहले हमने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा हमने बैलेंस किया जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे उनको बैलेंस कर लिया। चलो मैं एक बार दोबारा से लिख लेता हूं रिएक्शन। देखो यहां पर क्रोमियम जो है क्रोमियम प्लस थ्री में है, प्लस थ्री से प्लस सिक्स में जा रहा है, कितने का डिफरेंस आया, दोनों तरफ एक ही क्रोमियम क्रोमियम है, तो यहां पर थ्री का डिफरेंस आया। यहां पर देखो ऑक्सीजन जो है एक ऑक्साइड पे कितना, जो यहां पर परऑक्साइड है एक परऑक्साइड पे कितना चार्ज है -1 का, और यहां पर कितने ऐसे ऑक्सीजन है दो, तो -1 × 2, तो यहां पर -2 है टोटल चार्ज। यहां पर देखो -2 एक ऑक्सीजन पे, और यहां पर कितने H2 है दो है ना, तो अगर एक पे -2 है तो दो पे कितना हो जाएगा -4, तो -2 से -4 जा रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है दो का डिफरेंस, तो एक तरफ आ रहा है तीन का डिफरेंस, एक तरफ आ रहा है दो का डिफरेंस। तो करेंगे इसको हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स जी वाली साइड जो कि -1 से -2 रिडक्शन वाला नंबर है और ये ऑक्सीडेशन वाला नंबर है, तो ऑक्सीडेशन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम रिडक्शन वाले इक्वेशन से, और रिडक्शन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑक्सीडेशन वाले से, तो ऑक्सीडेशन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और रिडक्शन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 2CrOH4, 2CrOH4 माइनस प्लस H2O2 गिव्स आउट, और H2O2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, H2O2 साइड को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो हो जाएगा 3CrO4, 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था इस साइड को, तो यहां पर 2 प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा ये, और 6H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो चार्ज थे चार्ज को हमने बैलेंस कर लिया। अब देखो इतना करने के बाद जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट है क्या वो बैलेंस है, उसको चेक कर लेते हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे सिंपली बैलेंस कर देंगे। तो देखो यहां पर दो क्रोमियम और बाकी तो सब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही, चलो देखते हैं वो बैलेंस है या नहीं है। इस तरफ देखो 4 और 2 8, तो 8 यहां पर ऑक्सीजन इस तरफ है, और 3 × 2 6 6 इस तरफ है, तो टोटल इस तरफ कितने ऑक्सीजन, 14 ऑक्सीजन है। यहां पर देखो 4 × 2 8 और 6, इस तरफ 8 है और इस तरफ 6 है, तो 8 और 6 14, इस तरफ भी क्या है बैलेंस है। चलो हाइड्रोजन चेक करें, तो देखो 4 हाइड्रोजन ये और आगे 2 लगा हुआ है, तो 8 हाइड्रोजन इस तरफ और 3 × 2 6, 8 × 6 14, इस तरफ 14 हाइड्रोजन है, इस तरफ चलो देखें तो 6 × 2 12, सिर्फ 12 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करो सिंपली, देखो मीडियम हम चल रहा था हमारे पास बेसिक, और ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है, बस हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, इस तरफ 14 हाइड्रोजन है, इस तरफ 12 हाइड्रोजन है, तो क्या करो इस तरफ 2H+ ऐड करो। अब देखो इतना करने के बाद रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है, मगर हम बेसिक मीडियम H+ का यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे दोनों तरफ OH- और OH- ऐड कर देंगे, जितने H थे उतने ही OH ऐड करेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये दोनों मिलकर बन गए वाटर। तो फाइनली देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं रिएक्शन, रिएक्शन हमारे पास क्या बनी, 2CrOH4 वाइस चार्ज कितना लिए हुए है ये -1 का, प्लस 3H2O2 प्लस 2OH- गिव्स आउट 2CrO4 2- प्लस, देखो 2 यहां से वाटर बन जाएंगे और 6 ये पहले से ही है, तो यहां पर हो जाएगा 8H2O। तो ये होगी मेरे पास बैलेंस इक्वेशन, चलो चेक करते हैं कि बैलेंस हुई नहीं हुई। दो क्रोमियम 8 × 2 16 हाइड्रोजन इस तरफ है, तो 4 × 2 8 यहां से, और 3 × 2 6 और यहां से 2, तो 8 यहां से 6 यहां से और 2 यहां से, तो 8 और 6 14 और 14 और 2 16, तो 16 हाइड्रोजन इस तरफ भी कितने हैं 16 ही है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 4 × 2 8 और 8 यहां से, तो टोटल यहां पर 8 ऑक्सीजन यहां पर, तो टोटल यहां पर कितने ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन। इस तरफ देखो 4 और 2, तो 8 इस तरफ ऑक्सीजन, 3 × 2 6 8 और 6 14 और 2 ये रहे 16, ठीक है हो गए 16, यहां पर इस तरफ भी 16 ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट तो सारे बैलेंस है। चलो चार्ज देखते हैं, देखो इस तरफ यहां से -2 और 2OH का माइनस है, तो माइनस चार्ज का चार्ज है यहां पर, -4 चार्ज है यहां पर देखो 2 × -2 -4 का चार्ज यहां पर भी है, हो गया बैलेंस सिंपल एकदम। तो बहुत ही सिंपल है, रूल्स गिन के 3 रूल्स हैं और उसी से हमारे सारे बैलेंस हो जाएंगे, 3 या 4 रूल्स, ठीक है। जो हाफ रिएक्शन मेथड था उससे भी ज्यादा फास्ट मेथड है ये, ठीक है, तो सिंपल सा बैलेंसिंग है ये। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो 4 क्वेश्चन हो गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले काम तो ये करो कि इसमें से OH और H2 को हटाओ, क्योंकि बाद में तो मुझे ऐड ही करना है इसमें,
तो मेरे पास जो डील करना है वो क्लोरीन, आईओ थ्री, क्लोराइड और आईओ फोर माइनस, इसके साथ मुझे डील करना है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले इसका, यहाँ पर जीरो है, माइनस वन है, आयोडीन का यहाँ पर एक्स मान लो, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है कितने हैं, माइनस ऑक्सीजन थ्री है, इक्वल टू माइनस वन। यहाँ निकालोगे तो आयोडीन पर यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस फाइव। इस तरह से यहाँ देखोगे आयोडीन निकालना है, ऑक्सीजन माइनस टू होता है कितने हैं, चार, इक्वल टू माइनस वन चार्ज है, तो कहाँ पर जा रहे हैं, प्लस सेवन पर जा रहे हैं। तो प्लस फाइव से प्लस सेवन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जीरो से माइनस वन क्या हो रहा है, रिडक्शन, कम हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले काम तो हमने किया किया कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया, कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ रिड्यूस हो रहा है, इसको पता लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे उसको जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो बस। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर रिडक्शन में जा रहा है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक ही है, तो क्या करो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ टू लगा दूँ, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा था सिर्फ उसे बैलेंस करना होता है दूसरे स्टेप में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टू लगा दिया, यहाँ पर भी दो क्लोरीन, यहाँ पर भी दो क्लोरीन, हो गया बैलेंस। यहाँ पर देखो आयोडीन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है प्लस फाइव से प्लस सेवन में जा रहा है, इस तरफ भी एक आयोडीन है, इस तरफ भी एक आयोडीन है, ठीक है। तो आप देखो हो गया बैलेंस, लिखते हैं चलो इसे, तो सी एल टू प्लस आईओ थ्री माइनस गिव्स आउट टू सी एल माइनस प्लस आईओ फोर माइनस, ये हो गया हमारे पास। तो दो स्टेप होने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उसे देखो बैलेंस कर लेते हैं। तो वैसे तो बैलेंस सही है, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, बाकी तो आयोडीन है जो कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा होता है, वो भी एक एक बैलेंस है। अब चलो ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखो इस तरफ तीन है और इस तरफ चार है, और मीडियम कौन सा चल रहा है, मीडियम इज बेसिक। तो देखो जिस तरफ कम होते हैं ऑक्सीजन उस तरफ क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। तो इस तरफ मैंने ऐड कर दिया एक वाटर, एक वाटर ऐड करने के बाद देखो हो गया बैलेंस, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, चार ऑक्सीजन, तीन और एक चौथा ही रहा, चार ऑक्सीजन। अब देखो यहां पर दो हाइड्रोजन हो गए और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करो यहां पर टू एच प्लस लगा दो। अब जितना एच प्लस लगाया, और एच प्लस हम बेसिक मीडियम यूज नहीं कर सकते, तो जितना एच लगाया उतना ही क्या लगा दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ टू ओ एच माइनस भी एड कर दो। अब देखो फाइनल रिएक्शन की शक्ल क्या बनेगी, सी एल टू प्लस आईओ थ्री माइनस प्लस एच टू ओ प्लस टू ओ एच माइनस गिव्स आउट टू सी एल माइनस प्लस आईओ फोर माइनस, इन दोनों को एड करोगे तो ये हो जाएगा टू एच टू ओ। अब देखो एक वाटर से एक वाटर कट जाएगा, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं इसे, तो फाइनली वी हैव लेफ्ट विद सी एल टू प्लस आईओ थ्री प्लस टू ओ एच माइनस गिव्स आउट टू सी एल माइनस प्लस आईओ फोर माइनस, ठीक है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। अच्छा एक यहां पर वाटर भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन, तो चलो चेक करते हैं कि बैलेंस हुई नहीं हुई है। तो क्लोरीन देखो इस तरफ दो, यहां पर भी दो, आयोडीन एक, आयोडीन एक, ऑक्सीजन देखो तीन यहां से और दो यहां से, टोटल पांच ऑक्सीजन है यहां पर। इधर देखो चार यहां से और एक यहां से, पांच ऑक्सीजन है बैलेंस। हाइड्रोजन देखो यहां पर दो हाइड्रोजन इस तरफ है और यहां पर भी दो हाइड्रोजन है, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर बैलेंस। चार्ज देखो माइनस वन यहां से और माइनस टू यहां से, तो टोटल चार्ज इस तरफ कितना है, माइनस थ्री का। इस तरफ देखो माइनस टू यहां से, माइनस वन यहां से, तो टोटल चार्ज कितना है यहां पर, माइनस थ्री का। तो इस तरह से हो गया बैलेंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये देख रहे हैं हम एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सब्सटेंस का हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास सी एल टू इज अंडरगोइंग सी एल माइनस प्लस सी एल ओ थ्री माइनस प्लस एच टू ओ। तो पहला काम तो ये करो कि H2 हटाओ, बाद में जिससे हमें ऐड ही करना है। अब देखो क्लोरीन यहां पर जीरो की स्टेट में, जीरो से कहां जा रहा है, माइनस वन, और यहां प्लस फाइव में जा रहा है। तो क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें गिन के एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन तो बहुत सारे हैं। तो मैं यहां पर अपनी सुविधा के लिए क्या करूंगा, दो क्लोरीन लिख लूंगा। तो सी एल टू प्लस सी एल टू गिव्स आउट सी एल माइनस प्लस सी एल ओ थ्री माइनस, ये यहां से यहां जीरो से माइनस वन क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहां जीरो से प्लस फाइव क्या हो रहा है, यहां पर ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें बैलेंस कर लो सिंपली। तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पर दो क्लोरीन है, इस तरफ एक ही है, तो सिंपली मैं यहां पर टू लगा लूं, हो गया बैलेंस। दूसरी बात, यहां पर क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो यहां पर दो क्लोरीन है, यहां पर एक क्लोरीन है, यहां पर क्या करो दो लगा लो, तो ये बैलेंस हो गया। तो चलो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं एक बार, सी एल टू प्लस सी एल टू गिव्स आउट टू सी एल माइनस प्लस टू सी एल ओ थ्री माइनस। अब देखो यहां से यहां पर चार्ज देखेंगे डिफरेंस, यहां से यहां देखेंगे चार्ज डिफरेंस, कितना कितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहां जीरो है, जीरो से कहां जा रहे हैं, माइनस वन पे, और कितने माइनस वन वाले में, दो, तो जीरो से फाइनली माइनस टू पे जा रहे हैं। टोटल चार्ज है यहां पर माइनस टू बना, एक पे माइनस वन, दो पे माइनस टू, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो टू का डिफरेंस है। यहां पर देखो जीरो से कहां जा रहा है, जीरो से जा रहा है ये प्लस फाइव पे, तो एक क्लोरीन पे प्लस फाइव है, और सामने क्या लगा नंबर दो,
तो जीरो से कहाँ जा रहा है ये, जीरो से दस पे जा रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस है, दस का डिफरेंस है। इस दो से दस कट गया पांच बार में, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इस पांच को करेंगे इस वाली रिलेशन के साथ इनटू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5Cl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 5 टू 10 माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उसे बैलेंस कर लो, तो चलो देखते हैं क्लोरीन 5 टू 10 और 2, 12 क्लोरीन है इस तरफ, 10 और 2, 12 क्लोरीन है इस तरफ, तो क्लोरीन तो बैलेंस ही है। चलो देखते हैं अब हम ऑक्सीजन, तो 2 × 3 इस तरफ है 6 ऑक्सीजन, इस तरफ एक भी नहीं है, तो यहां पर क्या करो 6H2O ऐड कर दो और इस तरफ कर दो 6 × 12 12H+ ऐड कर दो। देखो इतना करते के साथ ही बैलेंस हो गया है, मगर क्योंकि मीडियम हमारे पास बेसिक है और बेसिक मीडियम में हम बैलेंस नहीं कर सकते H+ ऐड करके, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 12OH और इस तरफ भी 12OH ऐड कर देंगे। अब देखो ऐड करने के बाद क्या सिचुएशन बनी, 5Cl2 और एक Cl2 ये रहा, तो मैं इसको टोटल क्यों ना 6Cl2 लिख लूं, प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस गिव्स आउट 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, और ये हो गया 12H2O, ठीक है। देखो 6H2O से 12 कट जाएगा, यहां बचेगा 6, तो ये होगी मेरे पास टोटल एक बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलो चेक करते हैं बैलेंस हुआ नहीं हुआ, देखो यहां पर 12 क्लोरीन 10 यहां से, तो यहां से 12 क्लोरीन यहां पर भी है। ऑक्सीजन चेक करते हैं, तो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन यहां से और 6 यहां से, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है इस तरफ, इस तरफ देखो 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो यहां पर 12 ही हाइड्रोजन है यहां पर, और इस तरफ देखो 6 × 12 हाइड्रोजन, ठीक है, एलिमेंट सारे बैलेंस है। अब चलो चार्ज देखते हैं, तो देखो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, एक बार ज्यादा हॉटस्पॉट हो गया है, तो चलो चार्ज चेक करते हैं यहां पर। देखो इस तरफ तो 12 माइनस है, इस तरफ 10 माइनस यहां से 2 माइनस यहां से, तो इस तरफ भी 12 माइनस है, तो ये आगे मेरे पास बैलेंस इक्वेशन बहुत सिंपल है, विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स बोले कि बैलेंस हो जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है, एक बार आप सीख गए तो इसमें बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, तो चलो बैलेंस करते हैं इसे। देखो सबसे पहले काम तो क्या करो कि सबको सबका ऑक्सीडेशन नंबर दे लो जो उसके पास सेंट्रल एटम है, यहां पर सीआर के पास प्लस 6 है और यहां सीआर प्लस 3 में जा रहा है, यहां क्लोरीन के पास माइनस 1 है, यहां भी माइनस 1 और यहां 0, तो यहां पर प्लस 6 से 3 क्या हो रहा है, रिडक्शन, माइनस 1 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस वाटर को हटाओ क्योंकि बाद में तो मुझे ऐड ही करने वाले हैं वैसे, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो उसे बैलेंस कर लो सबसे पहले, तो यहां पर 2 क्रोमियम है और यहां पर 1 क्रोमियम है, तो क्या करो यहां पर 2 लगा दो, दोनों तरफ कितने कितने क्रोमियम हो गए, 2-2 क्रोमियम हो गए, यहां पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर 2 क्लोराइड है और यहां पर 1 ही है, तो यहां पर भी 2 लगा लो, हो गया बैलेंस। चलो मैं इसे दोबारा से लिखता हूं फिर आगे चलते हैं, तो ये आगे मेरे पास इक्वेशन। अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए चार्ज देखते हैं, यहां पर प्लस 6 से कहां जा रहा था, प्लस 3 में जा रहा था, और यहां माइनस 1 से कहां जा रहा था, 0 में जा रहा था, तो चलो देखें। देखो यहां पर एक क्रोमियम के ऊपर प्लस 6 चार्ज है और यहां पर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 12। यहां पर देखो एक के ऊपर प्लस 3 चार्ज है और सामने मैंने नंबर क्या लगा रखा है, 2, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 6, तो 12 से 6 कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। यहां पर देखो एक क्लोराइड के ऊपर माइनस 1 और 2 क्लोराइड के ऊपर माइनस 2 और यहां पर 0 है, तो माइनस 2 से अगर 0 जाओगे तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब ये कट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 3, तो इस वाली रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो ये वाली रिएक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट है क्या वो बैलेंस हुए नहीं हुए, चलो उनको बैलेंस कर लेते हैं फिर। अब देखो पोटेशियम, देखो इस तरफ 2 पोटेशियम और इस तरफ 1 पोटेशियम है, तो यहां पर क्या करो 2 लगा दो। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस हुए, कौन से नहीं हुए, चेक कर लेते हैं। यहां पर 2 पोटेशियम, यहां पर भी 2 पोटेशियम, क्रोमियम 2 है यहां पर, यहां पर भी 2 क्रोमियम है, 6 क्लोरीन है यहां पर, यहां पर भी 6 क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पर और क्लोरीन यहां पर भी है, तो 3 × 6 और 6 यहां पर 12 हो गए, और 2 क्लोरीन यहां से, तो 12 और 2 14, इस तरफ कितने क्लोरीन है, 14, और इस तरफ कितने हैं, 6, तो मैं क्या करूं यहां पर 6 को काट के मैं लिख देता हूं 14, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया,
ठीक है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट थे उसे मैंने बैलेंस कर लिया। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो चुका है। अब बारी आई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो चलो मैं इसे एक बार दोबारा से लिख लेता हूं जो भी मैंने यहां पर किया है उसके बाद। सही हो गया। अब देखो चेक करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। देखो यहां पर 7 ऑक्सीजन है, यहां पर देखो एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पर क्या करो, 7H2 ऐड करो। ठीक है, अब इस तरह भी हो गया 7 ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन, तो इस तरफ 7 टू 14, 14 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 14 हाइड्रोजन है। हो गया बैलेंस। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल इक्वेशन। तो चलो चेक करते हैं कि फाइनली मेरे पास टोटल बैलेंस हुआ या फिर नहीं हुआ। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, क्लोरीन, देखो यहां पर 14 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहां से, 3 दूनी 6 यहां से, और 3 दूनी 6 यहां से। तो 6 यहां से, 6 यहां से, 2 यहां से, 14 क्लोरीन हो गए। इस तरफ भी कितने क्लोरीन है, 14 क्लोरीन। तो क्लोरीन बैलेंस, तो पोटेशियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। चलो हाइड्रोजन चेक करते हैं, 7 टू 14 इस तरफ और 14 इस तरफ हो गए। तो एलिमेंट तो सारे बैलेंस है, ठीक है, और चार्ज है नहीं इस तरफ। तो ये होगी मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मेरे पास एक इक्वेशन है, तो चलो सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्रोमियम का हो जाएगा +6, +6 से +3 में जा रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पर सल्फर +4 की स्टेट में, और +4 से यहां पर आप निकालोगे +6 जाएगा। तो +4 से +6 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो उसे बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखो क्रोमियम जो है +6 से 3 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहां पर 2 है क्रोमियम, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 लगा लो सिंपली। जो सल्फर है, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सल्फर यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 ही सल्फर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो चार्ज देखते हैं दूसरी बारी में। तो यहां +6 है 1 पे, और 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, 12 चार्ज हो जाएगा। यहां पर 1 क्रोमियम पे 3 चार्ज है, और यहां पर सामने क्या लगा है, 2 लगा हुआ है। तो 6 टू जा 3 टू जा 6, तो 12 से 6 आ रहे हैं, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है यहां पर। यहां पर देखो सल्फर जो है +4 है, तो 4, और यहां पर सल्फर +6 है, तो 4 से हम 6 में जा रहे हैं। तो 4 से 6 जाने में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब देखो क्या करेंगे, इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। तो 3 नंबर जो आया वो रिडक्शन की तरफ आया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी तरफ, ऑक्सीडेशन की तरफ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख लेते हैं, देखो क्या आएगा, Cr2SO2 माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3SO2 गिव्स आउट 2Cr3 प्लस, ये वैसे का वैसा ही। और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3HSO4 माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि है वो नहीं या नहीं है। 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम बैलेंस है, 3 सल्फर, 3 सल्फर बैलेंस है। तो हम बैलेंस करेंगे अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। देखो इस तरफ क्या है, 7 और 3 टू जा 6, तो 6 और 7 हो गए 13 ऑक्सीजन है इस तरफ, इस तरफ है 13 ऑक्सीजन। इस तरफ देखो कितने हैं, तो 4 टिया 12, 12 ऑक्सीजन है इस तरफ। तो यहां पर क्या करो, 1H2 ऐड कर लो, तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो इस तरफ भी क्या हो गया, 13 हो गया ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो यहां पर 3 तो 5 हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या करो, 5H+ लगा लो, मीडियम एसिडिक चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना करने के बाद तो चलो चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ नहीं हुआ। देखो 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम ऑक्सीजन, देखो यहां पर 7 और 3 दूनी 6, तो 7 6 13, यहां पर 4 12 और 13, 13 13 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, दोनों बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन देखो 3 यहां से और 2 यहां से, 5 हाइड्रोजन ये रहे 5 हाइड्रोजन। तो एलिमेंट तो सारे बैलेंस है। सल्फर देखो यहां पर 3 सल्फर और यहां पर भी 3 सल्फर, तो एलिमेंट तो सारे बैलेंस है। चलो चार्ज देखते हैं, तो यहां पर -2 है और यहां पर +5 है, तो टोटल मिला जुला के यहां पर चार्ज है +3 का। यहां पर देखो 6+ का चार्ज यहां से और 3- का चार्ज यहां से, तो मिला जुला के कितना चार्ज हो गया, +3। तो दोनों तरफ कितना कितना चार्ज है, +3। तो ये होगी मेरे पास एक बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर को हटाओ इसे यहां पर। अब देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। यहां पर क्रोमियम +6 की स्टेट में निकालोगे आप, और यहां पर आयरन जो है +2 की स्टेट में, जहां आयरन +3 में जा रहा है। तो +2 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो निकालना नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं आपको, आयरन 2 है तो 2x आयरन का निकालना है मुझे। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2, और कितना सल्फेट है, 3 इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, यहां पर +3 की स्टेट में है, ठीक है। तो 6 से 3 क्या हो रहा है, रिडक्शन, और 2 से 3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे उन्हें बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 क्रोमियम, यहां पर भी 2 क्रोमियम बैलेंस है। आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर 1 आयरन, यहां पर 2 आयरन। तो क्या करो, यहां पर सिंपली
टू लगा लो, ठीक है हो गया। अब चलो मैं इसे दोबारा लिख लेता हूं, तो दो स्टेप मैंने खत्म कर लिए। पहला मैंने ये पता लगा लिया कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। दूसरा मैंने जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे थे उनका चार्ज जो है वो बैलेंस कर लिया, और मतलब नंबर जो है बैलेंस कर लिया। देखो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं और क्या होता है देखते हैं। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं कहां क्या नंबर आएगा। यहां प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा था, तो यहां पर एक पे प्लस सिक्स चार्ज है, दो पे कितना चार्ज हो जाएगा, बारह का चार्ज। यहां पर एक पे प्लस थ्री का चार्ज है, दो पे कितना चार्ज हो जाएगा, छह का चार्ज। तो बारह से छह कितने का डिफरेंस है, छह का डिफरेंस है। यहां आयरन प्लस टू में था और यहां प्लस थ्री में जा रहा था, तो एक पे प्लस टू चार्ज है, दो पे कितना हो जाएगा, चार का चार्ज प्लस फोर का चार्ज। यहां पर एक पे प्लस थ्री का चार्ज है, प्लस थ्री है ना इस पे, एक पे प्लस थ्री का चार्ज है, दो दो पे कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स का चार्ज। तो चार से छह में जा रहा है, कितने का डिफरेंस आया, दो का डिफरेंस आया। इस दो से छह कट गया, तीन आ गया। तो मुझे करना क्या है, जो आयरन वाली साइड है, आयरन वाली साइड को मल्टीप्लाई करना है मुझे तीन से। तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सिक्स एफ ई एस ओ फोर और ये एच टू एस ओ फोर वैसा का वैसा ही रहेगा, गिव्स आउट के टू एस ओ फोर, इसको मल्टीप्लाई किया था थ्री से, तो ये हो जाएगा थ्री एफ ई टू एस ओ फोर का होल थ्राइस प्लस, और ये वैसा का वैसा ही सी आर टू एस ओ फोर होल थ्राइस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो एलिमेंट दूसरे बचे हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के, उनको बैलेंस कर लेंगे। तो चलो देखें, दो क्रोमियम तो यहां पर दो और यहां पर भी दो, आयरन यहां पर सिक्स और यहां पर सिक्स, ये तो बैलेंस है। अब बाकी चीजें देखते हैं। देखो पोटेशियम यहां पर दो है और यहां पर भी दो पोटेशियम है, तो चलो देखें अब सल्फर। तो सल्फर देखो यहां पर छह और एक सात, सात सल्फर है यहां पर। इस तरह देखो चलो कितने हैं, तो यहां पर तीन यहां से और तीन यहां, तो थ्री थ्री जै नाइन, एक यहां से टेन और तीन यहां से, थर्टीन सल्फर है टोटल इस तरफ, और इस तरफ सेवन ही है, तो छह तो हो गए यहां से और सात यहां लगा दो, तो छह और सात कितने हो गए तेरह, तो दोनों तरफ कितने हो गए थर्टीन, थर्टीन सल्फर हो गए। और बाकी आयरन तो बैलेंस ही था, सल्फर बैलेंस कर लिया हमने, पोटेशियम तो बैलेंस ही है। इतना करने के बाद एलिमेंट जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के सारे बैलेंस हो चुके हैं। तो चलो देखें अब कि ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, सात यहां से और छह चौक चौबीस, तो सात प्लस चौबीस यहां से और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट यहां से, फिफ्टी नाइन ऑक्सीजन है इस तरफ। चलो इस तरफ देखें कितने ऑक्सीजन है, तो चार तिया बारह और आगे तीन लगा हुआ है, तो बारह तिया छत्तीस यहां पर, और चार इंटू तीन बारह ऑक्सीजन यहां से और चार ऑक्सीजन यहां से, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 52 ऑक्सीजन, यहां पर 59 थे, कितने का डिफरेंस है, सेवन का डिफरेंस है, तो यहां पर सेवन एच टू ओ ऐड कर दो, तो सेवन ऐड करने के साथ यहां पर भी कितना हो गया 59 ऑक्सीजन हो गया। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहां पर सेवन टू जै फोर्टीन, फोर्टीन हाइड्रोजन है यहां पर और यहां पर भी फोर्टीन हाइड्रोजन है, और तो कहीं पर हाइड्रोजन है नहीं, तो ये हो चुका है बैलेंस। चलो मैं इसे एक बार दोबारा से लिख लेता हूं साफ सुथरा और फिर मैं आपको काउंट करके बताता हूं कि बैलेंस हुआ नहीं हुआ। तो यह कि मेरे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन, तो चलो इसमें चेक करना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस हुआ नहीं हुआ। दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, दो क्रोमियम, दो क्रोमियम, छह आयरन, छह आयरन, सात दुनी चौदह हाइड्रोजन, सात दुनी चौदह हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो एलिमेंट सारे बैलेंस है। अब बचा कौन, ऑक्सीजन, तो सात ऑक्सीजन है इसके पास, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर इसके पास और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट इसके पास, तो टोटल ऑक्सीजन इस तरफ कितने हो गए, सेवन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी एट, तो फिफ्टी नाइन हो गए इस तरफ। इस तरफ देखो चार ऑक्सीजन इसके पास और चार तिया बारह और बारह तिया छत्तीस, छत्तीस ऑक्सीजन है इसके पास, सात ऑक्सीजन है इसके पास और बारह ऑक्सीजन है इसके पास, तो चलो सबको ऐड कर लेते हैं, फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस सेवन, तो चालीस पचास दो बावन और सात उनसठ, तो इस तरफ भी फिफ्टी नाइन, इस तरफ भी फिफ्टी नाइन, तो ये एक हमारे पास एकदम भयंकर सी इक्वेशन जो कि हो चुकी है अब बैलेंस। सो दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपली रूल्स याद रखो आप, और रूल्स याद रखने के बाद आप उसे अप्लाई करना सीखो कि हाउ टू अप्लाई द रूल्स, और एकदम सिंपल है, 10 से 15 सेकंड में जो रिएक्शन आपके पास वो बैलेंस होकर आ जाएगी। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो विद इन 15 सेकंड आपके पास एक फटाफट रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इवन जो हाफ रिएक्शन मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड से भी एक ज्यादा फास्ट तरीका है ये रिएक्शन को बैलेंस करने का, ठीक है बच्चों। तो नोट्स बना लो इसके, आप जो बैलेंसिंग का पार्ट है वो हमने खत्म कर लिया, जो
इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने जो हाफ रिएक्शन मेथड है या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसको देख लिया था, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो बैलेंसिंग के दोनों पार्ट हमने खत्म कर लिए। सो बच्चों पढ़ते रहो और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।